दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। और यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो लखनऊ का नाम आपने सुना ही होगा, यहाँ पर जो है लखनऊ के अंतर्गत जो है आपका CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। बात करेंगे यहाँ पर चालक की और टेक्नीशियन की, यहाँ पर जो है ये भर्ती यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर जो है स्थायी भर्ती ही है, मतलब क्या है, कोई मतलब डुप्लीकेट भर्ती नहीं, कभी आप सोच संविदा की भर्ती हो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पर जो है ये 17 पदों को भरने के लिए यहाँ पर जो है ये भारत के नागरिक से जो है आवेदन पत्र यहाँ पर जो है वो लिए जा रहे हैं। और जो है मान के चलिएगा आपको जो है यहाँ पर चालक मतलब क्या गैर तकनीकी और यहाँ पर टेक्नीशियन की यहाँ पर जो है ये पदों की संख्या यहाँ पर दे रखी है। सैलरी यहाँ पर जो 35,475 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ये ग्रुप सी की भर्ती है, परमानेंट भर्ती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और दो और 27 वर्ष अधिकतम आयु इसमें जो है ऊपरी सीमा यहाँ पे इससे ज़्यादा ना हो, 28 वर्ष से ऊपर ज़्यादा ना हो, ठीक है। पंजीकरण की डेट लगेंगे आप 5 जुलाई 2024 से सुबह जो है 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पे जो है 15 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे स्टार्ट हो गया टेक्नीशियन के। और यहाँ पर चालक ड्राइवर की भर्ती आ चुकी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जाकर वाला फॉर्म भर दीजिएगा। तो ये लखनऊ के अंतर्गत भर्ती जो है वो आपकी निकल चुकी है, यहाँ पर देख लीजिए विज्ञापन अवलोकन करें, साइड ये इधर की है, यहाँ पर जाके ये अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। 15 जुलाई से यहाँ पर जो है ये 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, अभी जो है आज से हो गया है यहाँ पर जो है कल से सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर जो है 15 जुलाई टेक्नीशियन यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। वैकेंसी यहाँ पर शो कर रही है, सैलरी यहाँ पर शो कर रही है और सब कुछ पूरा मेरा जो है आज का अखबार में ये दे रखा है। और मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर जो है ये 600 लोगों को जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रोज़गार मेला लगने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो है ये यहाँ पर जो है विभिन्न जो है विभागों में जो कंपनी के द्वारा जो भर्तियाँ होती हैं तो उसका जो है रोज़गार मेला आपके शहर में जो है 12 जुलाई को लगेगा, ठीक है। 12 जुलाई को कंपनियां आएंगी और सैलरी इसमें 10 से लेकर जो 25,000 रुपये तक जो मासिक सैलरी का ऑफर इसमें जो है वो मिलता, आप सभी जानते हैं, आपने फॉर्म और बहुत की नौकरी लग भी चुकी है। मेरे चैनल के द्वारा जो है बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, सर आपके चैनल के द्वारा बहुतों को नौकरी मिल चुकी है। इसके बारे में मैं वीडियो जो कल और परसों के शाम को वीडियो में डालता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो नौकरी के बारे में अपडेट यहाँ पर जो है आ चुकी है। तो प्लीज़ आपने जो है डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, 12 जुलाई को जो है मेला लगने वाला है रोज़गार मेला, ठीक है। वहाँ से 10 से लेकर 25,000 रुपये तक की मासिक सैलरी आपको जो है पर मंथ इसमें मिलेगी और 600 कंपनियाँ इसमें जो प्रतिभाग इसमें करेंगी। और ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के जो है लगभग सभी जनपदों जहाँ पे है और अमेठी जनपद से यहाँ पे लिखा हुआ है ये। और जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है ये वैकेंसी जो आपके निकाली गई है ये है वार्ड बॉय की, ठीक है। वार्ड बॉय की वैकेंसी है ये, 17,494 रुपये सैलरी दी जाती है। और यहाँ पर जो है ये क्वालिफिकेशन वगैरह देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये जैसा आपने मैं थंबनेल में देख लिया हुआ कि भाई सफाई कर्मचारी की वैकेंसी यहाँ पर जो आ चुकी है, 17,495 रुपये सैलरी यहाँ पर जो है वो दी जाएगी। बात करते हैं MTS की, MTS आप सभी जानते हैं ग्रुप डी की नौकरी होती है, 21,215 रुपये सैलरी इसमें जो है वो दी जाएगी। बात करेंगे यहाँ पर जो फायरमैन की वैकेंसी यहाँ पर शो कर रही है, सैलरी यहाँ पर ये है 12th क्लास पास कर रखा, MTS में भी 12th क्लास पास अगर आपने कर रखा तो इसके अंदर फॉर्म आप जो है वो ज़रूर जाइए। सफाई कर्मचारी में आप सभी जानते हैं भाई कुछ काम नहीं है, पढ़ा लिखाई होना ज़रूरी नहीं है, सफाई करनी होती तो उसकी हिंदी आनी चाहिए उसको जो है, और उसको जो है लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद लैब टेक्नीशियन का यहाँ पर जो है ये इसमें BSc है ना और MLT और जो है लैब टेक्नीशियन का यहाँ पे भर्ती है ये, यहाँ पे जो है 24,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये वैकेंसी जो निकाली गई है आपको जो है फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म की भैया लास्ट डेट की बात करेंगे तो 11 जुलाई 2024 की जो है लास्ट डेट है ये वाला फॉर्म जो है। कहाँ से निकाला गया ये, कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, संचार विभाग इसको बोलते हैं, दूर संचार विभाग की तरफ से यहाँ पर जो है ICSIL के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये कंपनी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, इस कंपनी में आप जो है जॉब जो है करेंगे, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ये देख लीजिए और यहाँ पूरा मेरा यहाँ पर जो है वो दे दिया गया, फ़ोन नंबर भी दिया, संपर्क कर लीजिएगा और ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पर जाकर ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं आप। ये जो है जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पर जो है ये उत्तर प्रदेश सहित, माना कि उत्तर प्रदेश में बनारस, और उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये कई जो है राज्यों में, यहाँ पर देख लीजिए थंबनेल में आपने देख लिया हो, यहाँ पर जो है आपका इसके अंतर्गत यहाँ पर जो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ठीक है, इसके बाद आपका जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ये उत्तर प्रदेश अपना, ठीक है, और इसका वेस्ट बंगाल, ये सभी वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी हैं। और यहाँ पर जो है ये देख लीजिए इसमें जो है
और इंटरव्यू की डेट यहाँ पर घोषित कर दी है 25 जुलाई, ठीक है 25 जुलाई 2024 है ये। स्थान में आपको बताऊँगा इंटरव्यू कहाँ देना है, ये है ना, ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कहाँ इंटरव्यू होगा, पूरा ब्यौरा मिलेगा इसी पीडीएफ में, ठीक है। पहले देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है, आपका जो है ये वस्त्र मंत्रालय की जो है केंद्रीय रेशम औद्योगिक संस्थान है ना, तो वहाँ से निकाला गया वस्त्र मंत्रालय की तरफ से। उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ 25 जुलाई 2024 को वाकई इंटरव्यू कराया जाएगा। अब यहाँ आप नीचे आएंगे और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सेक्रेटरी जी वो डायरेक्टर जी के साइन भी हो रखे हैं, है ना, ओरिजिनल वैकेंसी आपकी जो है ये। और नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पे जो इंटरव्यू दिया हुआ तमिलनाडु में कहाँ पर होगा, है ना, इसके बाद जो है कर्नाटक महाराष्ट्र अपना आएंगे, नीचे बिहार, बिहार में कहाँ पर होगा ये, जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ कहाँ होगा, ठीक है, इसके बाद बिशलपुर, और नीचे आएंगे भाई और उत्तराखंड में कहाँ पर इंटरव्यू होगा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इंटरव्यू कराया जाएगा। ये अपना जो है उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये कैंपस का नाम दिया हुआ, पूरा एड्रेस दिया हुआ, फ़ोन नंबर दिया हुआ, और ये जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर के साथ ही आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। पर हाँ, पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं किसी को भाई, पैसे भी चुपचाप अगर फ्री में नौकरी लग रही तो आप लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये देखी है, यहाँ पे जाकर ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2 जुलाई 2024 का इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड जो है वो आ गया था साइट पे, और मैंने अभी डाउनलोड करके आपको दिखा दिया, फॉर्म चल रहे हैं इसमें जो है। और क्वालिफिकेशन बहुत सारे भाई, क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई, 8th क्लास पास अगर आपने कर रखा तो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम जो है ये 21 साल इसमें एज यहाँ पर बताई गई है। सैलरी वगैरह यहाँ पर 21,000 रुपये सैलरी इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जो थंबनेल में आपने देखा होगा, यहाँ पे जो क्लर्क भर्ती जो आई थी वो लगभग 300 पदों पर निकाली गई है। 19 जुलाई 2024 की लार्जेस्ट भर्ती कहाँ से निकाली गई है, आपका जो बिहार स्टेट पावर कंपनी तरफ से वैकेंसी है। ग्रेजुएशन कर रखा बी ए बी एस सी बी कॉम, इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिसियल साइट इधर रखिए, यहाँ पे जाके वाला फॉर्म भर दीजिएगा। बात करते हैं अब जो है, आपने देखा हुआ है अभी कुछ दिन पहले जो 22,000 भर्ती के लिए बोला गया एडेड इंटर कॉलेज के अंतर्गत, तो भर्ती लड़के लगातार कमेंट कर रहे हैं सर इसका विज्ञापन कब निकाला जाएगा। तो भाई जुलाई के लास्ट में, जो मेरी अधिकारी से बात हुई उन्होंने यही बताया कि भाई जो है जुलाई के लास्ट में इसमें विज्ञापन निकाला जाएगा। आपका जो है इसमें क्लर्क के पद भी शामिल है, 41,136 जो पद आपके क्लर्क के देखने को उसमें मिलेंगे। और यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि उत्तराखंड में भी जो है फॉर्म निकलेंगे, उत्तराखंड वाले यूपी में फॉर्म भर सकते हैं प्राइवेट टीचर को समन्वय। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो बलिया का चपरासी भर्ती का ज्वाइंग लेटर कब मिलेगा, भाई इंटरव्यू हो चुका आप चपरे है ना, तो अब नई वैकेंसी निकलने वाली, उसके बाद ही आपको ज्वाइंग लेटर से मिलेगा। प्योन की सैलरी क्या रहती है भाई, संविदा वाले की प्योन की सैलरी भी 8,500 रुपये, वैसे दिखाते 9,500 रुपये, 8,000 रुपये ही हैं, 8,500 के आसपास, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है सरकारी भर्ती 25,000 होती, बिना पैसे के किसी भर्ती में नहीं करते हैं, सही बात है। पैसा तो दे, आपने आदत डाल रखी है तो पैसा मत दीजिए यहाँ पर, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ है ना, 41,000 क्लर्क की भर्ती होंगी संविदा पर जो है। और ये कह रहे हैं कि मुझसे जो 1,50,000 रुपये जो है मांग रहे थे राजकीय इंटर कॉलेज चपरासी भर्ती के लिए, कानपुर में देहात में जो चपरासी भर्ती जॉब है 1 साल में हटा देंगे, सही बात है, किसी को देने जरूरत नहीं है भाई, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आई रहूँगा जो है, देखो मेरा वीडियो देख के बहुत लोगों की जॉब लगती है, और ये वाली बात ये भी बोल रहे हैं यहाँ पर जो है ये देख लीजिए इसमें। और चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के प्लस। थैंक यू वेरी मच।